हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन ज्योग्राफी। यह लेक्चर भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के ऊपर होगा। भारत की नदियां अपन ने कवर कर लिए थे, नदी घाटी परियोजना छूट गई थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसके बारे में जानकारी होना भी आवश्यक है। तो यह जो लेक्चर होगा, ये भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के ऊपर होगा। दिस लेक्चर इज़ ब्रॉट टू यू बाई मी, माई नेम इज़ विक्रम खंडेलकर। और आपको हमारी ये सीरीज़ अगर पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। तो देखिए, परियोजना का नाम पूछा जाता है, किस नदी पे है करके पूछा जाता है, और किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वो कभी पूछी जाती है, और कौन से लाभ को, यानी कौन से राज्य को लाभ होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाखड़ा नागल परियोजना। डायरेक्ट आएगा भाखड़ा नागल परियोजना जो है, ये सतलज नदी पे है। कहाँ पर है ये? सतलज नदी पर स्थित है, जो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ये याद रखना है, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल। और इस बांध, ये जो बांध बना था सतलज नदी में, इस बांध के वास्तुकार का नाम पूछा जा सकता है। इस बांध के जो वास्तुकार थे वो डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया है, जिन्होंने द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक किताब भी लिखी है। आप जानते होंगे भारत रत्न डॉक्टर मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया को, इनके जन्मदिन 15 सितंबर को होता है, और 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे के रूप में मनाया जाता है। और ये भारत के पहले इंजीनियर थे। और भाखड़ा नागल बांध परियोजना का डिज़ाइन, यानि बांध का वास्तुकार भी रहे हैं। और ये जो बांध है भाखड़ा नागल बांध, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। याद रखिए, सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है 255.55 मीटर। तो ये पहले आपको बुकों में मिलेगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है करके पूछा जाएगा, तो भाखड़ा नागल। तो भाखड़ा नागल से एक और चीज़ याद रखिए, ये था भारत का सबसे ऊंचा बांध था, आपको हर बुकों में मिलेगा। इसकी ऊंचाई है 255.5। इसके बाद दूसरा बांध बन गया है एक, जो भारत का सबसे ऊंचा हो गया है, जिसका नाम है टिहरी बांध परियोजना, भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में वो हो गया है। तो वो जब आएगा, जब देखेंगे। ये बताया मैंने आपको भाखड़ा नागल परियोजना ये सबसे ऊंचा बांध था। तो इससे क्वेश्चन इतने ही बनते हैं, कहाँ कहाँ लाभ पहुँचता है इसको इससे लाभ पहुँचता है पंजाब को, हरियाणा को, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। अगला देखते हैं व्यास परियोजना। व्यास नदी पर है, नाम से पता चल रहा है व्यास परियोजना, व्यास नदी। ये यहां से ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, व्यास परियोजना कहाँ पर है? व्यास नदी पर है, पूछी जाती है। तो व्यास परियोजना व्यास नदी पर है, कहाँ पर है? पंजाब में है, याद रखना है। उसके बाद अगली परियोजना देखते हैं, दामोदर घाटी परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है, और लाभ किन किन राज्यों को मिलता है? झारखंड को और पश्चिम बंगाल को। और दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है और पश्चिम बंगाल में है, याद रखना है। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कई बार, ये जो है ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। याद रखें, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी ये, 1948 में प्रारंभ हुआ था, बनी थी। और यह परियोजना बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। तो ये भी याद रखना है, दामोदर घाटी परियोजना बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, बस इतना याद रखें इससे। आगे देखते हैं हीराकुंड बांध किस नदी पर है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, महानदी पर है, महानदी उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है, हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है, 26 किलोमीटर लंबा है कम से कम ये। तो भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाएगा तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, महानदी पर। आगे देखते हैं इसके बाद चंबल परियोजना, डायरेक्ट आता है चंबल परियोजना, नाम से पता चल रहा है चंबल नदी पर है, और कहां पर है? राजस्थान में है ये, राजस्थान में है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये चंबल घाटी परियोजना। चंबल नदी के बारे में जानते होंगे आप, मध्य प्रदेश से निकलती है, इंदौर जिले के जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, और राजस्थान होते हुए यमुना नदी में जाके मिल जाती है।
तो उसमें बनाई गई है चंबल परियोजना। इसके तहत तीन बांध भी बनाए गए हैं, इस परियोजना के तहत तीन बांध भी बनाए गए थे जो मैं आपको बताता हूँ। एक है गांधी सागर बांध जो मंदसौर जिले में है मध्य प्रदेश में, उसके बाद जवाहर सागर बांध भी है और महाराणा प्रताप सागर बांध भी है। तीन बांध प्रमुख है इसमें, याद रखें। और चंबल नदी पे चूलिया जलप्रपात है, मैंने नदी के टाइम पे बताया था आपको। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, तेलंगाना और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, ये याद रखना है। तेलंगाना और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा नदी दक्षिण में बहती, मैंने आपको बताया था नदी के टाइम पे, आप हमारा नदी वाला वीडियो देख सकते हैं, पूरा अच्छे से कवर किया गया है, उस पर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वहीं बोल के बताया गया है। आगे देखते हैं तुंगभद्रा के बाद मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी पर है पश्चिम बंगाल में। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, मयूराक्षी नदी किस राज्य में बहती है, पश्चिम बंगाल में। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर परियोजना, डायरेक्ट आएगा नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, डायरेक्ट पूछा जाएगा किस नदी पर है। ऑप्शन आएगा कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना। आगे देखते हैं कोसी, कोसी परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट, कोसी नदी पर है, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी नदी नेपाल से निकलती है जानते हैं आप, बिहार में आती है, एंटर करती है बिहार में, तो बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर है और ये भी बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गंडक नदी भी नेपाल से निकलती है, बिहार में एंटर करती है, तो नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना याद रखना है। आगे देखिए फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर बनाया गया है, फरक्का परियोजना जहाँ गंगा और भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी तो उत्तराखंड में है लेकिन गंगा नदी पे भी है, नाम दिया गया था फरक्का परियोजना, पश्चिम बंगाल में है याद रखना है। काकड़ा पारा परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट, काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है गुजरात में, ताप्ती नदी है। काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी पे है गुजरात में। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है, फिर गुजरात महाराष्ट्र जाती है और फिर गुजरात जाती है, और गुजरात में बनाई गई है ये परियोजना जिसका नाम है काकड़ा पारा परियोजना, ताप्ती नदी पर है गुजरात में है, याद रखना है। अगला देखिए तवा परियोजना, तवा नदी पर है, तवा नदी बहती है मध्य प्रदेश में, तवा नदी बहती है मध्य प्रदेश में पचमढ़ी के तरफ होशंगाबाद जिले में, याद रखना है। तवा परियोजना तवा नदी मध्य प्रदेश में बहती है, तवा मध्य प्रदेश में है। नागपुर शक्तिग्रह परियोजना, नागपुर शक्तिग्रह परियोजना कोराडी नदी महाराष्ट्र में है, याद रखना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे लंबी नहर है, ये याद रखना है, भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, कम से कम 694 किलोमीटर है ये, और यह नहर सतलज और व्यास नदी के संगम के पास जो बांध बनाया गया है वहाँ से निकाली गई है। और ये जो नदी है, ये जो नहर है, ये राजस्थान में बहती जा, खासकर राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं इस नदी नहर को। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी से निकाली गई है, सतलज नदी से पानी प्राप्त करती नहर इंदिरा गांधी नहर। लाभ किस किस को होता है, राजस्थान पंजाब तथा हरियाणा को लाभ होता है, तो ये बताया गया है। तो इंदिरा गांधी नहर से याद रखिए भारत की सबसे लंबी नहर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, ताप्ती नदी उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है गुजरात में। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उकाई परियोजना किस नदी पर है, इस प्रकार का पूछेगा या राज्य का नाम देकर पूछ सकता है। उसके बाद अगला देखते हैं पंचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर कर्नाटक, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये दो परियोजना है कर्नाटक में, दोनों इंपॉर्टेंट है। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी और पंचमपाद परियोजना गोदावरी नदी, ये दोनों कर्नाटक में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, नंबर चाहिए एग्जाम में और कॉन्फिडेंस चाहते हैं जीके में, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही,
मालप्रभा परियोजना, मालप्रभा नदी कर्नाटक, ये याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं और कौन सी परियोजनाएं जो भी देख लेते हैं सातों सात। महानदी डेल्टा परियोजना, महानदी कहां बहती है? उड़ीसा में। तो महानदी डेल्टा कहां परियोजना है? महानदी पे उड़ीसा में, याद रखना है। डेल्टा क्यों लिखा है? डेल्टा बनाती है भी नदी। रिहंद परियोजना डायरेक्ट पूछा जाता है, रिहंद नदी उत्तर प्रदेश, रिहंद परियोजना, रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में, रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। कुंडा परियोजना, कुंडा नदी तमिलनाडु, देखो कुंडा नदी कहां बहती है? तमिलनाडु में, तो वहां बनाई गई थी ये परियोजना, याद रखना है आपको। कुंडा परियोजना, कुंडा नदी तमिलनाडु। देखो अगला, दुर्गा बैराज परियोजना, दामोदर नदी, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। ये जो परियोजना की बात चल रही है दामोदर नदी पर है, दुर्गा बैराज परियोजना। इदुक्की परियोजना, पेरियार नदी, पेरियार नदी कहां बहती है? केरल में। पेरियार झील कहां पर है? केरल में। पेरियार अभ्यारण्य कहां पर है? केरल में। पेरियार नदी पर है, परियोजना का नाम याद रखना है इदुक्की, इदुक्की परियोजना, पेरियार नदी केरल। टिहरी बांध, वेरी इंपॉर्टेंट, टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में, और ये टिहरी बांध से क्वेश्चन बनेगा एक। टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध बन गया है टिहरी बांध, 261 मीटर है इसकी लंबाई ऊंचाई, 261। और मैंने भाखड़ा नागल के बारे में बताया था आपको, वो 255.55 मीटर था, यानी 255 था, और ये 261 है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछा जाता है आपको, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है, याद रखना है सब। माता टीला परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट, माता टीला परियोजना है बेतवा नदी पर, मध्य प्रदेश में है ये परियोजना, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, याद रखना है। माता टीला परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट, बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पे एक और परियोजना है जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, राजघाट परियोजना, ये दोनों परियोजना बेतवा नदी पर है। माता टीला परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना और राजघाट परियोजना, ये तीनों बेतवा नदी पर है। कोयना परियोजना, कोयना, कोयना से याद रखना है, कोयना नदी महाराष्ट्र में बहती, कोयना नदी महाराष्ट्र में है ये परियोजना, कोयना परियोजना। रामगंगा नदी जहां बहती है, रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, रामगंगा नदी पर बनाई गई है, उत्तर प्रदेश में है। ऊपरी कृष्ण परियोजना, ऊपरी कृष्ण नाम से पता चल रहा है कृष्णा नदी पर है कर्नाटक में, इसको अलमेटी, अलमेटी बांध भी बोलते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कभी, अलमेटी बांध कहां पर है? कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में, ये याद रखना है आपको। घाट प्रभा परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट, घाट प्रभा परियोजना, घाट प्रभा नदी कर्नाटक, घाट प्रभा नदी कर्नाटक। भीमा परियोजना, भीमा नदी बहती है महाराष्ट्र में, भीमा परियोजना है, भीमा परियोजना पवना नदी पर है, पवना नदी महाराष्ट्र, याद रखना है, भीमा नदी, भीमा नदी भी है वहां पे, भीमा परियोजना पवना नदी महाराष्ट्र। भद्रा परियोजना, भद्रा नदी कर्नाटक, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी सुने हैं आपने, तुंगभद्रा का जो दो धाराओं में निकलती है, एक तुंग नाम से निकलती नदी और एक भद्रा नाम से, तो ये भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है, और ये दोनों नदी जाके मिलती है जब इसको तुंगभद्रा कहलाती है, तो तुंगभद्रा भद्रा परियोजना भद्रा नदी कर्नाटक। जयकावाड़ी, जयकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी महाराष्ट्र, डायरेक्ट आएगा जयकावाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र पे है, याद रखना है, महाराष्ट्र पे है। उसके बाद अगला देखिए, रंजीत सागर बांध परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट, रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है पंजाब में, कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है रंजीत सागर बांध कहां पर है? पंजाब में है, रावी नदी पर। ये सब याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं, याद तो रखना ही पड़ेगा, जीके में चैंपियन बनना चाहते हैं तो याद तो रखना पड़ेगा। हिडकल परियोजना, घाट प्रभा नदी कर्नाटक, घाट प्रभा नदी पर है कर्नाटक में, हिडकल परियोजना। देखिए आगे, घाट प्रभा परियोजना, घाट प्रभा नदी कर्नाटक बता दिया था मैंने आपको। भीमा परियोजना, भीमा नदी बहती है महाराष्ट्र में, भीमा परियोजना है पावना नदी महाराष्ट्र। भद्रा परियोजना ही बता दिया था, जय का
जया जय कावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी, जय कावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी है में है महाराष्ट्र में, याद रखना है। रणजीत सागर परियोजना, रणजीत सागर बांध किस नदी में है करके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पंजाब में है और रावी नदी पे, याद रखना है आपको। रणजीत सागर बांध पंजाब रावी नदी। हिट कल परियोजना घाट प्रभा नदी कर्नाटक, हिट गल परियोजना। आगे देखिए, सतलज परियोजना है एक चिनाब नदी में, सतलज परियोजना चिनाब नदी में जम्मू कश्मीर में है ये। नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे, डायरेक्ट पूछा जा सकता है किस नदी पे, सतलज याद रखना है और हिमाचल प्रदेश में है। अगर आपने नदी वाला टॉपिक मैप के थ्रू पढ़ा है तो आपको परियोजना याद रखने में आसानी जाएगी। पनामा परियोजना, पनामा नदी गुजरात, याद रखना है पनामा परियोजना, पनामा नदी गुजरात। कोल डैम परियोजना, कोल डैम कोल बांध कहाँ पर है, सतलज नदी पे है हिमाचल प्रदेश पे, तो वहीं पे एक परियोजना है जिसका नाम है कोल डैम परियोजना, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। कांगसावती, कांगसावती परियोजना, कांगसावती नदी पश्चिम बंगाल, तो ये भी याद रखना है। परम्बिकुलम अलियार परियोजना, पलम्बिकुलम अलियार परियोजना, आठ छोटी नदियों की परियोजना है ये, और ये तमिलनाडु और केरल में है, तमिलनाडु और केरल ऑप्शन आ सकता है। मुचकुंड परियोजना, मुचकुंड परियोजना, मुचकुंड नदी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की परियोजना है में कार्यरत है, यानी दो राज्यों में लाभ पहुंचता है, तो मुचकुंड परियोजना, मुचकुंड नदी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। गिरना, गिरना परियोजना, गिरना नदी महाराष्ट्र, वेरी इंपॉर्टेंट गिरना परियोजना। शारदा परियोजना, शारदा गोमती नदी पर है उत्तर प्रदेश में, शारदा नदी कहाँ बहती है उत्तर प्रदेश में, गोमती नदी भी उत्तर प्रदेश में, तो शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश। पूर्णा परियोजना, पूर्णा नदी महाराष्ट्र, पूर्णा परियोजना, पूर्णा नदी महाराष्ट्र में है ये। उसके बाद अगला है बरगी परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट बरगी परियोजना है मध्य प्रदेश में, बरगी नदी पर है, बरगी परियोजना है बरगी नदी पर मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास है ये बरगी, और बरगी बांध भी जबलपुर में ही है मध्य प्रदेश में, याद रखना है। हंसदेव, हंसदेव बागो परियोजना, बंगो है बंगो, हंसदेव बंगो परियोजना हंसदेव नदी पर है, और ये हंसदेव नदी, ये बुक में गलत लिखा हुआ है, हंसदेव जो नदी है ये छत्तीसगढ़ में बहती है, हंसदेव नदी छत्तीसगढ़ में बहती है और महानदी की सहायक नदी है हंसदेव नदी, हंसदेव बागो परियोजना है छत्तीसगढ़ में, याद रखना है। अगला दंडकारण्य परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट देखिए, दंडकारण्य परियोजना जो है ये लूसेंट बुक के हिसाब से उड़ीसा और मध्य प्रदेश आंसर दिया हुआ है, लेकिन दंडकारण्य परियोजना अगर आपको पूछा जाता है तो छत्तीसगढ़ लगा सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये है दो आंसर लगाना है आपको, दंडकारण्य परियोजना छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तो ये लगाना है। और दंडकारण्य से याद आ रहा है दंडकारण्य के घने जंगल, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दंडकारण्य के घने जंगल कहाँ पे हैं, तो विध्यांचल से लेके गोदावरी तक, विध्यांचल पहाड़ी से लेके गोदावरी नदी के बीच में जो जंगल है इसे दंडकारण्य के वन या दंडकारण्य के जंगल कहा जाता है। अगर राज्यों का नाम पूछा जाए कहाँ पर है दंडकारण्य वन, तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्पेशली छत्तीसगढ़ में, तो याद रखना है आपको दंडकारण्य का पठार या दंडकारण्य के घने जंगल पूछा या वन पूछा तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा और स्पेशल ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ आ सकता है ऑप्शन, छत्तीसगढ़ याद रखना है। और विध्यांचल से लेकर गोदावरी बेसिन के मध्य है ये दंडकारण्य का पठार या जंगल, तो ये याद रखना है। शरावती परियोजना, शरावती नदी कर्नाटक, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये शरावती, वही शरावती नदी है जिसमें भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम है जोगफाल, या जिसी को बोला जाता है गोरसप्पा फाल, या इसी का एक और नाम मिलता है महात्मा गांधी फाल, आपको बताया था मैंने नदी के टाइम पे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात शरावती नदी पे कर्नाटक में स्थित है, 255 मीटर तक है।
तो ये सरस्वती नदी में याद रखना है आपको। आगे देखते हैं पाचेत बांध। पाचेत बांध है दामोदर नदी में और ये लाभदायक है झारखंड और पश्चिम बंगाल, याद रखना है। उसके बाद गांधी सागर परियोजना, डायरेक्ट जब भी मैंने आपको बताया था गांधी सागर बांध पूछा जाए तो चंबल नदी पे है मध्य प्रदेश में, जहां बांध है वहीं परियोजना गांधी सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश। उसके बाद बाण सागर परियोजना डायरेक्ट आता है किस नदी पर है, सोन नदी पर। बाण सागर परियोजना है सोन नदी पर और ये जो परियोजना ये बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर निर्मित है मध्य प्रदेश में और इसमें बाण सागर परियोजना के तहत एक बांध भी बनाया जा रहा है जिसका नाम है बाण सागर बांध, वो शहडोल जिले में बन रहा है। नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना है नर्मदा नदी पर और यह मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, याद रखना मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र जाती है, फिर गुजरात जाती है, तो आप याद रख सकते हैं ये मध्य प्रदेश और गुजरात की है, महाराष्ट्र की नहीं है, मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है नर्मदा सागर परियोजना। एक और परियोजना है नर्मदा नदी में महेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना भी नर्मदा नदी पे है मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में, याद रखना है आपको। राणा प्रताप सागर परियोजना मैंने जब भी बताया था आपको चंबल नदी के टाइम पे, राणा प्रताप सागर परियोजना है चंबल नदी पे, राजस्थान में है ये राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी, वेरी इंपॉर्टेंट। और चंबल नदी में एक जलप्रपात है जो बताया था चूलिया जलप्रपात। जवाहर सागर, जवाहर सागर परियोजना जवाहर सागर बांध भी चंबल नदी पर है राजस्थान में, बताया था मैंने और इसे याद रखना, जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान। चंबल घाटी परियोजना के तहत तीन बांध बनाए गए थे, बताया था मैंने आपको जवाहर सागर, राणा प्रताप और गांधी सागर, ये तीन। सर हिंद नहर परियोजना, ये नहर बहती है सर हिंद नहर परियोजना सतलज नदी पे है और हरियाणा में है, तो हरियाणा में लाभदायक है, हरियाणा को लाभ पहुंचाती है, तो याद रखना है सर हिंद परियोजना ये सर हिंद नहर परियोजना सतलज नदी हरियाणा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर, इंपॉर्टेंट है तुलबुल परियोजना किस नदी पे करके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पे जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, दुलहस्ती परियोजना चिनाव नदी पर बनाई गई है जम्मू कश्मीर में। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर झारखंड में, बराकर नदी झारखंड, बराकर नदी कहाँ बहती है झारखंड में, तिलैया परियोजना। उसके बाद इंपॉर्टेंट है सरदार सरोवर परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट, सरदार सरोवर परियोजना के तहत जो बांध बनाया गया है सरदार सरोवर बांध, वो दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी पर है और गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर बांध। चार राज्य कौन से देखिए, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान, नाम याद रखना पूछा जाता है, चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर के, इसके तहत एक बांध बनाया गया जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट यानी जिले पे है, गुजरात के नर्मदा जिले पे है और यही बांध के 3.2 किलोमीटर दूर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के 3.2 किलोमीटर दूर, तो ये याद रखना है। और कहाँ पर है सरदार सरोवर बांध, गुजरात में है, नर्मदा नदी पर है, चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बिगलिहार परियोजना, इंपॉर्टेंट है बिगलिहार परियोजना, बगलिहार है सॉरी, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, इंपॉर्टेंट है पूछी जाती है, चिनाब नदी पर है याद रखना है चिनाब। उसके बाद पूरी परियोजना हो गई, जिसमें से एक परियोजना और याद आ रही है, एक परियोजना का नाम है शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम
परियोजना ये कावेरी नदी पर है कर्नाटक में, याद रखना है, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। और ये जो परियोजना है शिव समुद्रम, ये भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी, ये याद रखना है आपको, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी शिव समुद्रम। जल विद्युत की बात हो रही है, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी शिव समुद्रम, कावेरी नदी पर है कर्नाटक में, और शिव समुद्रम जलप्रपात भी कहाँ पर है कर्नाटक में। तो पूरी परियोजना समाप्त होती है, सारी मैंने डिस्कस किया हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर वहाँ से हैं तो मैंने बताने की कोशिश किया हूँ। तो आज का लेक्चर में इतना ही, उसके बाद एक और टॉपिक बन जाता है जो टॉपिक का नाम है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो इस याले टॉपिक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेते हैं इसको भी, याले टॉपिक को भी देख ही लेते हैं। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, याला टॉपिक छूट गया था जो अपन ने कवर नहीं किए थे नदियों के टाइम पे। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट पूछा जाएगा किस नदी के तट पे बसे हुए हैं या उनसे रिलेटेड, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे वो साथ साथ बताने की कोशिश करूंगा। देखिए आगरा आप सब जानते हैं यमुना नदी के तट पे है। आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, और यमुना नदी बहती है उत्तर प्रदेश में। आगरा जो है उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पे है, ये याद रखना, यमुना नदी के तट पे है आगरा शहर। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कहाँ आता है? उत्तराखंड में है। तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है करके पूछा जा सकता है, किस नदी के तट पे बसा है? तो अलकनंदा, अलकनंदा नदी के तट पे बसा है बद्रीनाथ। इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। इलाहाबाद जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, इलाहाबाद किस नदी के तट पर है? गंगा और यमुना के संगम पर है। संगम होता है इलाहाबाद में, प्रयागराज में संगम है दो नदियों का, गंगा और यमुना का। तो इलाहाबाद किस नदी के तट पे? गंगा और यमुना के, याद रखिए, पूछा जाता है। दिल्ली, दिल्ली आप जानते हैं दिल्ली यमुना नदी के तट पे है, दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पे है। फिरोजपुर, ये फिरोजपुर जो है ये पंजाब में आता है सतलज नदी के तट पे, फिरोजपुर पंजाब में आता है और पंजाब में बहती सतलज नदी, तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। हरिद्वार, हरिद्वार उत्तराखंड में आता है गंगा नदी के तट पे, हरिद्वार में ही मेला लगता है कुंभ का, हरिद्वार गंगा नदी के तट पे, याद रखना है। कानपुर, कानपुर है उत्तर प्रदेश प्रदेश में, और कानपुर गंगा नदी के तट पे, वेरी इंपॉर्टेंट, कानपुर किस नदी के तट पे है? गंगा नदी के, ये आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी है, जिससे कंफ्यूज ना हो करके यहीं बता देता हूँ, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पे, गोमती, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पे, और कानपुर गंगा नदी के, याद रखना है। अयोध्या, वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान राम की नगरी अयोध्या, अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पे, सरयू, सरयू नदी के तट पे है अयोध्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। अगली बात करते हैं कोलकाता, कोलकाता में बहती है हुगली नदी, तो हुगली नदी जो है हुगली नदी के तट पे है कोलकाता, डायरेक्ट आपको आएगा तो आप लगा सकते हैं टिक, अगर आपने नदी मैप के थ्रू पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है इसे याद रखने में, कोलकाता हुगली नदी के तट पे। लखनऊ बता दिया, गोमती नदी। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ आता है आसाम में, और आसाम में बहती ब्रह्मपुत्र नदी, तो बहुत आसान है याद रखना, डिब्रूगढ़ आसाम, डिब्रूगढ़ आसाम में आता है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे। गुवाहाटी, गुवाहाटी भी इंपॉर्टेंट याद रखना है, आसानी है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे है गुवाहाटी। जबलपुर, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जबलपुर जो है नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है, जबलपुर मध्य प्रदेश में शहर है, एक जिला है जबलपुर, और यही नर्मदा नदी पर, जबलपुर में ही धुआंधार जलप्रपात है, ये भी याद रखना है, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में आता है। कोटा, कोटा डायरेक्ट पूछा जाता है, कोटा आप जानते हैं कोचिंगों के लिए जो फेमस है कोटा, ये आता है राजस्थान में, चंबल नदी के तट पे बसा है कोटा। उसके बाद और आगे देखते हैं, कुरनूल, ये कुरनूल आंध्र प्रदेश में है, कुरनूल आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा नदी के तट पे बसा हुआ है, तुंगभद्रा नदी के तट पे कुरनूल। सोकोवा घाट, सोकोवा घाट जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है, इंपॉर्टेंट है याद रख सकते हैं आप, सोकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी। कन्नौज, कन्नौज आता है यूपी में, यूपी में बहती गंगा नदी, कन्नौज जो है ये गंगा नदी के तट पे बसा है, याद रखना है आपको। श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर झेलम नदी के तट पे, याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से जो कन्फ्यूज़न होता है, श्रीनगर किस नदी के तट पे बसा है? झेलम नदी के तट पर। सूरत, सूरत पूछा जाता है बहुत, सूरत गुजरात में है जो हीरो की पॉलिशिंग के लिए फेमस है, सूरत।
सूरत जो है त्राप्ती नदी के तट पे बसा हुआ है। त्राप्ती नदी गुजरात में जाती है और गुजरात में है सूरत, तो ये ऐसे याद रख सकते हैं आप। हैदराबाद, हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी, हैदराबाद मूसी नदी के तट पे है। मूसी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। हैदराबाद फेमस है चार मीनार के लिए, चार मीनार है हैदराबाद में। मूसी नदी याद रखना है, हैदराबाद मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है। मथुरा, मथुरा है यूपी में और मथुरा है यमुना नदी के तट पे, वेरी इंपॉर्टेंट, मथुरा है यूपी, तो मथुरा याद रखना है आपको, यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है। मथुरा वही है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, मथुरा यूपी में है यमुना नदी के तट पे। जमशेदपुर, जमशेद जी टाटा के नाम पे जमशेदपुर नाम रखा गया है, और ये जमशेदपुर शहर जो है झारखंड में है और वहां पे बहती है स्वर्ण रेखा नदी, तो जमशेदपुर जो है ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पे है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पे है। अहमदाबाद इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद है साबरमती नदी, साबरमती नदी के तट पर, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है, याद रखना है, पूछा जाता है। पांडरपुर, पांडरपुर ये महाराष्ट्र में है भीमा नदी के तट पे, मैंने बताया था महाराष्ट्र में भीमा नदी बहती है, तो पांडरपुर पूछा जाए तो भीमा नदी याद रखना है, पांडरपुर भीमा नदी। बरेली, बरेली आता है यूपी में रामगंगा नदी के तट पे, यूपी में बहती रामगंगा नदी, तो बरेली है एक यूपी में शहर, बरेली पूछा जा सकता है, रामगंगा नदी के तट पे बसा हुआ है, याद रखना है, एग्जाम में आता है। अगला बात करते हैं कटक, कटक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में, और कटक किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो कटक आता है उड़ीसा में और उड़ीसा में बहती महानदी, तो आप याद रख सकते हैं कटक जो है महानदी के तट पे बसा हुआ है। महानदी को उड़ीसा का सोग भी बोलते हैं। नासिक, नासिक है गोदावरी नदी के तट पे, ये नासिक आता है महाराष्ट्र में, नासिक में भी कुंभ का मेला लगता है, नासिक गोदावरी नदी के तट पे है। संबलपुर, ये संबलपुर है उड़ीसा में, इंपॉर्टेंट है, संबलपुर उड़ीसा महानदी के तट पे है। श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में है, श्रीरंगपट्टनम ये कावेरी नदी के तट पे, याद रखना है कावेरी नदी बहती कर्नाटक में, तो श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में है कावेरी नदी के तट पर। जैनपुर, ये जैनपुर है यूपी में, जैनपुर है यूपी में गोमती नदी के तट पे, गोमती, गोमती नदी बहती। ओरछा, ओरछा मध्य प्रदेश में है, ओरछा जो है मध्य प्रदेश में है जो बेतवा नदी के तट पे, और बेतवा नदी के तट पे मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख शहर है जो मैं आपको बताता हूँ, एक है सांची, सांची स्तूप सुने होंगे आपने, सांची, सांची भी बेतवा नदी के तट पे, याद रखना है। विदिशा जिला है वो एक बेतवा नदी के तट पे है। ओरछा, ओरछा तीर्थ स्थल है, एक धार्मिक स्थल ओरछा कहाँ पर है, निवाड़ी जिला जो नया जिला बना है वहां पे चले गया है ओरछा, मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है निवाड़ी, ओरछा कहाँ पर है, निवाड़ी में, और निवाड़ी जिला है मध्य प्रदेश का, तो ओरछा किस नदी के तट पे, बेतवा। उज्जैन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुंभ का मेला लगता है यहाँ पे उज्जैन में, उज्जैन छिप्रा नदी के तट पे, याद रखिए छिप्रा नदी के तट पे उज्जैन, और यहाँ पे उज्जैन में जो है महाकाल मंदिर है, वहां कुंभ का मेला भी लगता है, याद रखना है आपको, उज्जैन छिप्रा नदी के तट पे, मध्य प्रदेश में जिला है उज्जैन, और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन में छिप्रा नदी के तट पे। वाराणसी, वाराणसी इंपॉर्टेंट है, वाराणसी गंगा नदी के तट पे, वाराणसी यूपी में है, वाराणसी का पुराना नाम था बनारस फिर काशी, इसी का नाम था, वाराणसी को ही कहा जाता है काशी, बनारस, वाराणसी सब पुराने नाम थे, गंगा नदी के तट पे है। लुधियाना, लुधियाना है पंजाब में, अगला देखते हैं, लुधियाना, लुधियाना है पंजाब में, और लुधियाना जो है सतलज नदी के तट पे बसा हुआ है, याद रखना है आपको। उसके बाद बात करते हैं विजयवाड़ा की, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा नाम सुना होगा आपने, विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश में और ये है कृष्णा नदी के तट पे, विजयवाड़ा है कृष्णा नदी के तट पे, याद रखना है, पूछा जाता है। तिरुचिरापल्ली ये है तमिलनाडु में, तिरुचिरापल्ली ये है तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर, तो तट पे बसे वाले पूरे कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा मैं देखता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट है तो नहीं जो बताने लायक आपको, याद एक और याद रखिए, वृंदावन, वृंदावन यूपी में है, ये यमुना नदी के तट पे है, वृंदावन मैंने आपको बताना भूल गया था, वृंदावन हो गया। पटना,
पूछा जाएगा अभी तो गंगा नदी के तट पे ही है। उसके बाद देखा जाए अगर इंपॉर्टेंट अजमेर पूछा जाए कभी, अजमेर किस नदी के तट पे, तो लूनी नदी, लूनी नदी के तट पे बसा हुआ है, ये याद रखना है। कभी पूछा जा सकता है गोवा, गोवा में कौन सी नदी बहती है या गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पे है, तो ये है मांडोवी नदी, मांडोवी नदी के तट पे गोवा की राजधानी पणजी, ये याद रखना है। राजमुंद्री, राजमुंद्री पूछा जाए कहां, तो ये गोदावरी नदी के तट पे। तो ये इतने थे तट पे बसे वाले, जो भी मैंने सारे बताने की कोशिश किया हूँ, इतने ही इंपॉर्टेंट और कुछ याद नहीं आ रहा है अभी, सारे बताने की कोशिश किया हूँ। तो आपको हमारी ये सीरीज कैसी लगी, आपको हमारे लेक्चर कैसा लगा, आप हमारे को कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, नमस्ते।